अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई, ये कौन सी जगह है बता सकते हैं आप? ये कराची सी ऑफ डिफेंस। कराची सी वे ऑफ डिफेंस। अच्छा उमर भाई, ये वही सी वे ऑफ डिफेंस का रोड है जहाँ पर जो है ना 24 घंटे यहाँ पर गाड़ियाँ चलती थी, या हबीबी या और दूसरा बहुत सारा रश होता था। और वो सामने वहाँ पर कैफे भी है, लेकिन क्या है कि अंधेरा बहुत है और सामने सी वे की तरफ, तो पिक्चर जो है ना सही से नज़र नहीं आ रही। बस फिलहाल तो जो है ना अपना ये थंबों पे लाइटें लगी हुई हैं और रोड जो है ना यहाँ के खाली। और ये खाली क्यों पड़े हैं सलाउद्दीन भाई, आप कुछ ये इस बारे में? लॉकडाउन है, लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से ये पूरा रोड खाली है। जी, वो पूरा रोड खाली लगा पड़ा है। पूरा होटल, ये पूरे होटल जो सीओ के किनारे पे थे वो सारे बंद लगे पड़े। और इसके अलावा सामने जो समुंदर में वहाँ पर कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं लगी, अगर लाइटिंग लगी होती तो शायद हर चीज़ नज़र भी और आती। इन लोग को होना चाहिए कि 30 तक लॉकडाउन पूरा करो। 30 तारीख तक लॉकडाउन होना चाहिए। हाँ ना, होना चाहिए। उमर भाई आपके इस बारे में क्या राय है? नहीं कुछ तो कहे ना आप, हालात सही हो जाए बस। आप ये चाह रहे हैं कि हालात सही हो जाए, लॉकडाउन का कोई जरूरत नहीं, लॉकडाउन का जरूरत नहीं है आपको? नीचे भी देखो घर रह जाए, अपन नीचे देख के चलता है, बल्कि उसकी टेंशन नहीं लें आप। आप और कुछ बताना चाहेंगे? आप हाथ क्यों बांध रहे हैं? आप अभी ये क्या बोलेंगे सलाउद्दीन भाई, आप कुछ फरमाएं। आप जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गरीब आवाम को ये मैसेज देना चाहिए कि हाँ, हम लोग जो है ना घर से बाहर नहीं निकलो। अच्छा। किसी के साथ हाथ नहीं मिलाओ और किसी के करीब नहीं जाओ। भूख से भी मरो, और भूख से मरो, भूख से अल्लाह अल्लाह देते अल्लाह अल्लाह देगा तो घर में तू बैठ। अच्छा, जैसे आपने हमारे सल्लू भाई की जो है ना बात सुनी, सल्लू भाई बता रहे हैं कि गरीबों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग सब घर पे रहें, और इसके अलावा क्या कहते हैं कि आप किसी को हाथ वात ना मिलाएं, बस दूर से इशारा कर दें, यही काफ़ी है समझदार के लिए। और ये बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से, किसी के तरफ से नहीं है। अच्छा, तो ये सल्लू भाई का ये भी कहना है कि ये बीमारी जो है ना अल्लाह की तरफ से है, कि किसी और की तरफ से नहीं है। अच्छा उमर भाई, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? पांच वक्त नमाज तो कहता हूँ ना, सलाउद्दीन कहते हैं ना घर में बोरा भर भर के आ जाएगा, टेंशन नहीं है मरने से, लेकिन घर पे बैठो आला देगा ना, ऐसे देता है कोई। सही हो गया, सही हो गया। आप सबका जो है ना पैगाम हम पब्लिक तक पहुँचा देंगे। अच्छा लगा होगा ये पूरे पब्लिक देखेगी आपकी, ये आपकी आवाज़ जो है ना पूरी पब्लिक तक जाएगी, जितनी भी आपकी गरीब आवाम है वो सब इससे हो सकता है अमल भी कर ले। और सालू भाई, इसके अलावा आप नमाज के बारे में कुछ कह रहे थे मुसलमान भाइयों को? यार पांच वक्त नमाज पढ़ो, ठीक हो गया, से दुआ करो कि ये बीमारी पूरे दुनिया में ख़त्म हो जाए। सही है भाई जान, आप सब ने जो है ना अपना दुआ करनी है, ये जैसे सालू भाई ने बताया आप सबको कि नमाज पढ़ के आपने यही दुआ करनी है कि जो ये जो बीमारी है पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, आप पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, सो आपने सब ने मिलकर नमाज पढ़ कर जो है ये स्पेशली ये दुआ करनी है कि ये जो हालात, वैसे काफ़ी कर भी रहे हैं दुआएं, हम सब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि दुआ एक दस्तक की तरह होती है, जब तक दरवाज़ा ना खुले तब तक जो है हमें दस्तक देनी चाहिए। तो अल्लाह से जो है दुआ मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह को अच्छा लगता है जब हम अल्लाह से दुआ मांगते करते हैं। तो बस दुआ कीजिएगा आप लोग, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये हालात बेहतर हो जाएंगे। ये हम लोग यहाँ पर सीवी पे आए हुए थे, ऐसे ही निकले थे, क्योंकि यहाँ सीवी के रोड तो सारे खाली पड़े हुए, बस ऐसे निकल आए। अभी यूँ समझ नहीं कि वो वीरान है, वो गलियाँ जहाँ पर जो है ना यूँ समझने कोई ऐसा वक्त नहीं होता जहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह कोई ऐसा ना हो, अब तो बिल्कुल ही जो है ना वीरान हो गया, चलें गुड हो गया। अच्छा सालू भाई, फिर अल्लाह हाफिज़। क्या बोलो बस।